हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू। एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में शुरू करते हैं झारखंड समान ज्ञान। तो झारखंड जेएससी परीक्षा के लिए झारखंड समान ज्ञान, तो इसमें 150 ऐसे सवाल कवर किए गए हैं जो जेएससी में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं जेएससी परीक्षा के लिए सामान्य झारखंड समान ज्ञान। तो पहला सेट में 60 सवाल अपलोड हो चुका है, तो दूसरा सेट शुरू करते हैं। तो 61वां से, तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हजारीबाग में। तो हजारीबाग में झारखंड का चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है, और हजारीबाग में ही झारखंड का मृदा अनुसंधान केंद्र भी है। अगला सवाल, सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1992 में हुई। तो सही आंसर हो जाएगा 1992, ऑप्शन बी। अगला सवाल, झारखंड के एकमात्र खनन उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो झारखंड का एकमात्र खनन उच्च शिक्षा केंद्र आईसीएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आईसीएम की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हुई ऑप्शन ए 1926। 1926 में आईसीएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी, और आईसीएम कहाँ स्थित है? झारखंड के धनबाद जिले में। अगला सवाल, रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रांची में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर क्या हो जाएगा? 1960 में। तो 1960 में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी, और कहाँ है? रांची में। अगला सवाल, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है? तो झारखंड का में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नामकुम रांची में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची नामकुम में स्थित है, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। अगला सवाल, झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज कौन था? तो झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज कौन था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग। तो संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। तो संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग, जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी, जो झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज था। अगला सवाल, MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। तो 1964 में MGM महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला सवाल 68 देख लेते हैं, छोटा नागपुर विधि कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में। छोटा नागपुर विधि कॉलेज 1954 में स्थापित हुआ था। अगला सवाल, सिंदरी स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? तो सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सिंदरी में स्थापित था, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नया नाम हो गया किसका? बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ स्थित है? सिंदरी धनबाद में। अगला सवाल, रांची स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का क्या नाम रखा गया है? तो रांची स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का क्या नाम रखा गया है? तो जो आज जिसको रिम्स बोला जाता है, तो ऑप्शन डी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल 71, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले के राज्य पुस्तकालय नहीं है? तो झारखंड के कौन से जिले में राज्य के पुस्तकालय नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पलामू, पलामू में राज्य के पुस्तकालय नहीं है। उसके अलावा चाईबासा धनबाद और दुमका में राज्य के पुस्तकालय है, और उसके अलावा हजारीबाग में प्रमंडलीय पुस्तकालय स्थित है। 72 का मिलान करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक तरफ यूनिवर्सिटी दिया है, दूसरी तरफ इसका स्थापना होने का वर्ष। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। तो एक का फोर मिल जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, तो बिरसा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1980 आने की 1980 में हुआ था। और सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना कब हुई थी? तो सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना 1992 में हुई थी, और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की भी स्थापना 1952 में हुई थी, 1992 सॉरी 1992। तो सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका और संत विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की स्थापना 1992 में हुई थी। तो इसके अलावा रांची यूनिवर्सिटी 1960 में, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची
1980 में। तो कौन सा फॉलो कर रहा है, तो फॉलो ऑप्शन सी कर रहा है, अगला सवाल। तो राज्य में डीम्ड टू विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं, तो राज्य में डीम्ड टू विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो इस तो इसमें लेटेस्ट में चेंज हो गया है, तो इसको आप करंट में देखेंगे इसका, अगला सवाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। गांधी मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो गांधी मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिमडेगा में। तो गांधी मेला का आयोजन सिमडेगा में होती है, अगला सवाल। निम्न से किस प्रमुख प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है, तो कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जिसका संबंध झारखंड से नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सचिन, ऑप्शन ए, बागीबाद धोनी, प्रियंका चोपड़ा और तंदुश्री का दत्ता का संबंध झारखंड से है और सचिन का संबंध महाराष्ट्र से है, अगला सवाल। बसंत कुमार तिर्की को किस नाम से जाना जाता है, तो बसंत कुमार तिर्की को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो चाचा, तो चाचा के नाम से बसंत कुमार तिर्की को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अगला सवाल। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो हिजला मेला जो है मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, किस जिले में, तो मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका जिले में लगता है, तो हिजला मेला दुमका जिले में मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आंसर, अगला सवाल। पलामू किला किस जिला में स्थित है, पलामू का किला किस जिला में स्थित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पलामू के किला लातेहार में स्थित है, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि पलामू किला है तो पलामू में ही होगा, ऐसा नहीं है, तो पलामू का किला जो है वर्तमान में लातेहार में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अगला सवाल। जुबली पार्क कहाँ स्थित है, जुबली पार्क कहाँ स्थित है, आंसर क्या हो जाएगा, तो जुबली पार्क जो है जमशेदपुर में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जुबली पार्क जमशेदपुर, अगला सवाल। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो 80 का सवाल है, कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, आंसर क्या होगा इसका, तो कोलेश्वरी मंदिर जो है चतरा में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अगला सवाल। तो राज्य में विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्य की यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्य का जो राज्यपाल होते हैं यही राज्य के में जितने भी यूनिवर्सिटी संचालित होते हैं उसके चांसलर होते हैं, और राज्य में संचालित विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है जो वाइस चांसलर कहलाते हैं, तो राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं, राज्यपाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अगला सवाल। तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, चतरा को, चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोला जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा, ऑप्शन सी, अगला सवाल। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर जो है किस शैली में स्थित है, ऑप्शन क्या होगा इसका सही, तो सही आंसर हो जाएगा नागर शैली, ऑप्शन डी, तो देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर नागर शैली में स्थित है और इसकी स्थापना किस गिद्धौर राजवंश के राजा पूरनमल के द्वारा की गई थी, तो देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर की निर्माता कौन है, पूरनमल, जो गिद्धौर राजवंश के राजा थे, अगला सवाल। भारत का प्रथम छायाचित्र प्रदर्शक किसे माना जाता है, तो छायाचित्र कलाकार कौन है भारत के पहले, तो सही आंसर हो जाएगा सुब्रतो रे भारत के प्रथम छायाचित्र कलाकार हैं, अगला सवाल। भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है, तो भद्रकाली मंदिर जो है कहाँ स्थित है, इटखोरी, और इटखोरी किस जिले में है, चतरा जिले में, तो भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा में स्थित है, अगला सवाल। तो जुबली पार्क जो जमशेदपुर में है, तो इसका उद्घाटन किसने किया था, तो जमशेदपुर स्थित जुबली पार्क का उद्घाटन किसने किया था, आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जमशेदपुर स्थित जुबली पार्क का उद्घाटन किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अगला सवाल। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी किसे बोला जाता है, तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी किसको बोला जाता है, आंसर क्या हो जाएगा 87 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरांबे, तो कोरांबे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी बोला जाता है, तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कोरांबे, अगला सवाल। पार्श्वनाथ पर्वत जैन धर्मावलंबी के अतिरिक्त किस जनजाति का तीर्थ स्थल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो पार्श्वनाथ पर्वत जो है जैन मुख्य रूप से जैन धर्मावलंबी का तीर्थ स्थल है, इसके अलावा कौन सा जनजाति का भी तीर्थ स्थल है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संथाल का, ऑप्शन ए सी ने, ऑप्शन ए संथाल का। तो पार्श्वनाथ पर्वत जैन धर्मावलंबी के अतिरिक्त संथाल जनजाति का भी तीर्थ स्थल है, अगला सवाल।
झारखंड के 24 जिले में कुल कितने जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं? तो झारखंड में जिलों की संख्या टोटल 24 है, तो इसमें कितने जिले हैं जो उग्रवाद से प्रभावित हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 22। तो झारखंड में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 22 है। अब इसको चेक कर सकते हैं, होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय के वेबसाइट में अपलोड है। तो झारखंड में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 22 है वर्तमान में। अगला सवाल, तो झारखंड मिझिला मेला कहाँ लगता है? दुमका में, दुमका में मिझिला मेला लगता है और मयूराक्षी नदी के किनारे। अगला सवाल, तो झारखंड के किस जिले में कुमार मंगलम स्टेडियम है? तो कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस जिले में? आंसर क्या हो जाएगा, बोकारो। तो बोकारो में कुमार मंगलम स्टेडियम है और बोकारो में सिटी पार्क स्थित है। अगला सवाल, झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? बरही हजारीबाग में। तो बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। अगला सवाल, मेदिनीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेदिनीनगर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल। तो उत्तरी कोयल नदी के किनारे बसा शहर कौन है? मेदिनीनगर। अगला सवाल, तो बासुकीनाथ धर्म स्थल किस जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? तो बासुकीनाथ धर्म स्थल जो है किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा दुमका। तो दुमका में बासुकीनाथ धर्म स्थल है और देवघर से दुमका की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल महतो की हत्या किस वर्ष जमशेदपुर में कर दी गई थी? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल महतो की हत्या जमशेदपुर में कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1987 में। तो 1987 में निर्मल महतो की हत्या 1987 में की गई थी। अगला सवाल, दुमका के कौन सा गांव है जो मंदिरों के गांव के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में मंदिरों का गांव जो मलूटी को बोला जाता है, जो कहाँ है? दुमका जिले में। तो मलूटी को मंदिरों का गांव बोला जाता है जो दुमका जिले में स्थित है। अगला सवाल, मैसूर में वृंदावन गार्डन की डिजाइन पर झारखंड का कौन सा पार्क स्थित है? तो मैसूर में वृंदावन गार्डन की डिजाइन के आधार पर झारखंड का कौन सा पार्क बना हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुबली पार्क। जुबली पार्क जो है जमशेदपुर में स्थित है, जो मैसूर में स्थित वृंदावन गार्डन के डिजाइन पर बना हुआ है। और जुबली पार्क के उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? संताली। और संताली जो है हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? नॉर्मल सवाल पूछा था, रांची। और इसकी उपराजधानी भी कहाँ है? उपराजधानी भी दुमका है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस सवाल तो देखने में नॉर्मल लगा है, लेकिन झारखंड सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसको बोला जाता है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। तो जमशेदपुर जो है झारखंड की औद्योगिक राजधानी। अगला सवाल, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है? तो साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, तो झारखंड का राजकीय पशु कौन है? तो झारखंड का राजकीय पशु कौन है? हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु। और राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी की बात करें तो कोयल हो जाएगा राजकीय पक्षी। और झारखंड का कौन सी भाषा जो है राजकीय भाषा है? तो ऑप्शन के दिया के अनुसार कौन सा राजभाषा जो है झारखंड की राजकीय भाषा है? हिंदी। हिंदी जो है झारखंड की राजकीय भाषा है। इसके अलावा उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी भी है, हिंदी झारखंड की मुख्य राजकीय भाषा है। अगला सवाल, तो झारखंड के प्रथम उद्योगपति कौन था जिन्हें भारत रत्न मिला है? तो भारत रत्न से सम्मानित झारखंड के प्रथम उद्योगपति कौन थे? तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी JRD टाटा। तो JRD टाटा झारखंड के प्रथम उद्योगपति हैं जिसको भारत रत्न मिला है। अगला सवाल, तो छोटा नागपुर की रानी किसको बोला जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी किसको बोला जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्रहाट। नेत्रहाट को स्वतः छोटा नागपुर की राजधानी रानी बोला जाता है, राजधानी नहीं रानी। तो छोटा नागपुर की रानी नेत्रहाट। और नेत्रहाट किस जिले में स्थित है? तो नेत्रहाट जो है लातेहार जिले में स्थित है। और नेत्रहाट जो है झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल है और यहीं पे झारखंड की सर्वाधिक वर्षा भी होती है।
और पहाड़ों की मल्लिका किसको बोला गया है? तो छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ों की मल्लिका किसको बोला गया है? नेत्रहाट। तो छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ों की मल्लिका जो नेत्रहाट को बोला गया है। इस्पात नगरी किसको बोला गया है? तो झारखंड का इस्पात नगरी कौन है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जमशेदपुर को इस्पात नगरी बोला गया है। तो झारखंड का इस्पात नगरी जमशेदपुर। तो भारत का पीटर्सबर्ग किसको बोला जाता है? तो भारत का पीटर्सबर्ग जो है जमशेदपुर को बोला जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर जयपुर को बोला जाता है। कीनन स्टेडियम और मोहन मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कीनन स्टेडियम और मोहन मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? जमशेदपुर में। तो कीनन स्टेडियम जो क्रिकेट से संबंधित है, और मोहन आहूजा स्टेडियम जो दोनों कहाँ है? जमशेदपुर में। और कीनन स्टेडियम का पूरा नाम क्या था? टेम्पुल गार्डन। तो कीनन स्टेडियम का पूरा नाम टेम्पुल गार्डन था। मेकन स्टेडियम शताब्दी स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मेकन स्टेडियम शताब्दी स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में। और ये सवाल सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। तो शताब्दी स्टेडियम कहाँ है? रांची में। मेकन स्टेडियम रांची में और बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में स्थित है। महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस राज्य से है? तो महेंद्र सिंह धोनी का संबंध झारखंड से है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। राजरप्पा किस देवी के मंदिर है? जो राजरप्पा है छिन्नमस्ती के मंदिर है जो काली से संबंधित है। तो राजरप्पा छिन्नमस्ती के काली से संबंधित है। और राजरप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? राजरप्पा मंदिर रामगढ़ जिले में स्थित है। और रामगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। और किस जिले से लग होकर बना है रामगढ़? हजारीबाग जिले से। और रामगढ़ में झारखंड का एकमात्र आर्मी कैंट है, तो छावनी बोर्ड। तो एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में स्थित है झारखंड का। अगला सवाल, तो पर्यावरण के सुचारू प्रबंध के लिए झारखंड के किस शहर को ISO 14001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण के सुचारू प्रबंधन के लिए कौन से नगर को ISO 14001 प्रमाण पत्र मिला है? तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन डी। तो जमशेदपुर को पर्यावरण के सुचारू प्रबंधन के लिए ISO 14001 प्रमाण पत्र मिला है जमशेदपुर सर को। अगला सवाल, रांची स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम रखा गया है? तो रांची स्थित हवाई अड्डा जो है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा इसका नाम रखा गया है। तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का निर्माण 1940 में हुआ था। और देवघर में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। और इसका चालू करने का लक्ष्य क्या कब तक रखा गया है? और देवघर हवाई अड्डा का चालू करने का लक्ष्य 2020 तक रखा गया है। झारखंड में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो PTC पुलिस ट्रेनिंग कैंप हजारीबाग में स्थित है। तो ऑप्शन सी। तो झारखंड धाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो झारखंड धाम मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आंसर क्या होगा इसका? तो गिरिडीह जिले में स्थित है झारखंड धाम मंदिर। और इसी से मिलता जुलता नाम क्या है? एक हरिहर धाम भी मंदिर जो है झारखंड गिरिडीह जिले में स्थित है। तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से बाबू राम नारायण सिंह को जाना जाता है। तो बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा 1900 रामगढ़ अधिवेशन के दौरान दिया गया था। तो छोटा नागपुर केसरी बाबू राम नारायण सिंह उपाधि देने वाला महात्मा गांधी। और इसने एक प्रमुख पुस्तक कौन सी लिखी थी? स्वराज लूट गया। तो स्वराज लूट गया किसकी कृति है? बाबू राम नारायण सिंह। और इसका जन्म स्थान कहाँ था? और इसका जन्म स्थल था चतरा। तो झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? तो उर्स मेला कहाँ पे लगता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर में सही? तो गुमला में उर्स मेला गुमला में लगता है। अगला सवाल, झारखंड सरकार की सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो झारखंड सरकार को आय कौन सा क्षेत्र से सबसे ज्यादा मिलती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाणिज्य कर। वाणिज्य कर के द्वारा झारखंड को सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है। अगला सवाल, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल झारखंड के किस संस्थान में कार्यरत है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल झारखंड के टाटा स्टील में एक ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। तो टाटा स्टील में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये सवाल अभी तक झारखंड में 3 से 4 एग्जाम पूछा जा चुका है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल झारखंड के टाटा स्टील में कार्यरत हैं।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 अप्रैल 2002 को 1855-56 के किस संथाल विद्रोह के नायक की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी किया। तो 1855-56 में कौन सा संथाल विद्रोह हुआ था, किसके नेतृत्व में? तो सिद्धू कान्हू। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। अलसोल, तो संथाल राज में पागलखाना स्थित है, कहाँ स्थित है? तो झारखंड का पागलखाना कहाँ स्थित है? रांची में। तो झारखंड में पागलखाना रांची में स्थित है, ऑप्शन डी। प्रॉपर जगह पूछे तो कहाँ के? तो झारखंड के कौन से शहर को शहीदों का नगर बोला जाता है? तो शहीदों का नगर किसको बोला जाता है झारखंड का? तो आंसर क्या है? रांची। रांची को शहीदों को नगर के नाम से जाना जाता है झारखंड का। अलसोल, झारखंड के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो कौन से शहर में सर्वाधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो सही आंसर हो जाए देवघर। तो देवघर में सर्वाधिक तीर्थयात्री आते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छोड़ते हैं, ढंग से नहीं आया तो अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड के डॉक्टर गाब्रियल हेम्ब्रोम किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो झारखंड के डॉक्टर गाब्रियल हेम्ब्रोम किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जड़ी बूटी विशेषज्ञ। तो जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गाब्रियल हेम्ब्रोम। तो एक तरफ कुछ दिया है, एक तरफ जगह दिया है। तो राजधानी, राजधानी कौन है? रांची हो जाएगा। उपराजधानी कहाँ हो जाएगा? उपराजधानी दुमका हो जाएगा। औद्योगिक राजधानी किसको बोला जाता है? औद्योगिक वही राजधानी जो है जमशेदपुर को, और उच्च न्यायालय रांची को। तो सारा मिलान हो गया। अगला सवाल, तो भारत के किस व्यक्ति को HEC को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? तो भारत के किस व्यक्ति ने HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में जो स्थित है इसको आधुनिक उद्योगों का मंदिर बोला जाता? तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू में HEC ने JCC को आधुनिक उद्योगों का मंदिर बोला जाता। तो झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सी थी? तो झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म सोना कर नागपुर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म सोना कर नागपुर। तो विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन थे? तो विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीपसेन गुप्ता। तो दीपसेन गुप्ता जो है विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला सवाल,